अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स बेटे, आज हम अपने सबक नंबर 16 को जो है वो कंप्लीट जो है वो इस लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे, देन समझेंगे, और उसके बाद आप जो है वो आप इस वीडियो लेक्चर में आपको ये नॉलेज डिलीवर किया जाएगा कि आपका जो वर्क है वो बेसिकली आपने जो है वो कौन सा जो है वो नोटबुक पर राइट करना है और कौन सा जो वर्क जो है वो अपने बुक से लर्न करना है। देन आपको कंप्लीट जो है वो जो लेक्चर्स है उसको में गाइड किया जाएगा कम्प्लीटली। आपने कम्प्लीट वीडियो को जो है वो वॉच करना है। सबसे पहले बेटे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ख़ास अल्फाज है, लब, शमा, दूर होना, हमायत, ज़ईफ़ों, तमन्ना, उजाला, परवाना, राह, रह। और बेटे, इन ख़ास अल्फाज को आपने अपनी नोटबुक पर राइट करना है और नीट एंड क्लीन राइटिंग में उनवान आप लिखेंगे बच्चे की दुआ, सरगर्मी आप लिखेंगे इमला, और ज़ुबानी सवालात हैं बेटे। चूँकि आपका उनवान जो है वो बच्चे की दुआ है, तो बेसिकली इसमें एक बच्चा है जो दुआ मांग रहा है अल्लाह ताला से, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है आप में से कौन कौन दुआ मांगते हैं। तो बेसिकली बेटे, हम सब अल्लाह ताला के जो है वो सामने जो है वो दिन में 5 दफ़ा जो है वो हाजिर होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम सब जो है वो आफ्टर नमाज जो है वो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो है वो हम अपनी तमाम तर ज़िंदगी का दारोमदार जो है वो अल्लाह ताला पर जो है वो है, तो डैट्स वाई हम अल्लाह ताला से हेल्प मांगते हैं, उन पर यकीन रखते हैं। तो हम सब जो है वो बेटा दुआ मांगते हैं। हम दुआ किससे मांगते हैं? हम दुआ अल्लाह ताला से मांगते हैं। अल्लाह ताला ही पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, हमें रिजक देने वाली ज़ात है, तो हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। आप क्या दुआ मांगते हैं? हम बेटे अपने बड़ों की सेहत और तंदुरुस्ती, अपने उस्ताज़ा की, और जो है वो अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पर चलाए, और बहुत सारी दुआएँ जो है हम अपनी डेली लाइफ में जो है वो मांगते हैं अल्लाह ताला से। अब ये जो नज़म है बेटे, ये अल्लामा इकबाल ने राइट की है। आपको पता है कि अवर नेशनल पोइट के अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी और बामकसद नज़में लिखी। अल्लामा इकबाल के बारे में बेटे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आवर नेशनल पोइट हैं और पाकिस्तान को बनाने में भी ये पेश रहे हैं कायदे आज़म के साथ, ठीक है। अब पेज नंबर 90 की आप मुकम्मल जो है वो इधर रीडिंग करेंगे। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बेटे शम्मा जो है बेसिकली यहाँ पे कैंडल को कहा गया है कि एक जब कैंडल को जलाया जाता है तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है, तो इस तरह से जो है वो बच्चा जो है वो कह रहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक शम्मा की तरह बन जाऊँ और जब मुझे जलाया जाए तो हर तरफ जो है वो रोशनी ही रोशनी हो, कि मेरा मतलब काम ऐसा हो कि हर काम में जो है वो मेरी बेहतरी हो और मुझे देख कर जो है वो दूसरे पर्सन जो भी है वो नेक जो है वो पाथ पे चलना स्टार्ट हो जाए। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। कि अब वो कह रहे हैं कि दुनिया का जो अंधेरा, बेटे दुनिया का अंधेरा ये है कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग एक अच्छे पर्सन बन जाए, आपको देखने वाला जो है वो आप पे जो है वो एक मोटिवेशनल पर्सनैलिटी होगी, देन अनदर पर्सन जो है वो आपको देख के मोटिवेट होगा, वो खुद करेक्ट पाथ को जो है वो फॉलो करेगा। अच्छी जो हैबिट्स होती हैं उनमें एक अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ होती हैं कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो ज़रूर उसे मोटिवेट होता है। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। वो अब इससे कह रहा है कि मेरे वतन की जीनत इस तरह से हो कि जिस तरह एक फूल जो है वो जब खिलता है तो उसकी खुशबू जो है वो पूरे चमन में जो है वो फैलती है, आसपास बैठा पर्सन जो है वो उसे उसकी महक को जो है वो स्मेल कर रहा होता है, खुशगवार असर उसकी जो है वो फील कर रहा होता है। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। बेटे ऐसा स्टूडेंट्स ये आपके लिए है कि कहा जा रहा है कि ज़िंदगी मेरी हो परवाना। परवाना बेटा आप यहाँ पे कहा गया है कि एक परिंदे के को साथ के एक परवाने की सूरत हो और इलम के जो है वो मेरा जो है वो उससे मुझे बहुत मोहब्बत हो। ये बेसिकली एज अ स्टूडेंट ये आपके लिए नेसेसरी है कि आपको अपनी स्टडी से जो है वो मोहब्बत हो, देन ही बेटे आप जो है वो अच्छी स्टडी कर पाएंगे। जब आपके लिए एक फोर्सफुली थिंग होगी तो देन आप उसको कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। एज अ स्टूडेंट जो है वो आपका ये मोटिव होना चाहिए कि आप अपनी स्टडी से जो है वो इम्प्रेस हों, आप उसको समझें, देन उसको रीड आउट करें, तो फिर चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं हैं। हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। अब इसमें बेटे कहा जा रहा है कि एज अ मुस्लिम आपके अंदर
अंदर जो है वो ये क्वालिटी हर पर्सन में होनी चाहिए कि अब बच्चा ये दुआ कर रहा है अल्लाह ताला से कि अल्लाह कि मुझे गरीबों की हिमायत करना, कि मुझे इतना दे कि मैं गरीबों की जो है वो मतलब उनकी हेल्प कर सकूं, अपने जो दर्दमंद हैं, ज़ईफ़ हैं, मीन्स जो बूढ़े हैं उनसे मैं मोहब्बत करूं, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, कि जो हर बुराई से मुझे मेरे अल्लाह मुझे हर बुराई से दूर रख और जो नेक रास्ता है मुझे उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। और आप सब के लिए है कि बेटे जो इंस्ट्रक्शन हमें इसमें दी गई हैं अल्लाह ताला हमें और सबको जो है वो इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एंड बेटे जो स्टोरी आपने पढ़ी है देन जो है वो उसी स्टोरी का आपका जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे, तशरीह टाइप के आपको एक्सप्लेन किया गया कि बेसिकली स्टोरी में क्या है, साथ साथ भी आपको बताया गया है। अब यहाँ पे बेटे कह रहे हैं कि लामा रहमतुल्लाह अलैह ने ये नज़म एक बच्चे की ज़ुबानी लिखी है। बच्चा अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है, वो अल्लाह ताला से कह रहा है कि ऐ मेरे रब, मेरी ज़िंदगी एक शम्मा रोशनी के लिए जलाई जाने वाली बत्ती की तरह हो जाए, जैसे शम्मा अंधेरा दूर करके रोशनी फैलाती है वैसे ही मेरे अच्छे कामों की वजह से हर तरफ नेकी और इलम की रोशनी फैल जाए, बुराई और जहालत का अंधेरा ख़त्म हो जाए, मेरी वजह से मेरे मुल्क की रौनक और खूबसूरती बढ़े। बेटे आपकी वजह से आप मुल्क की रौनक और खूबसूरती, जब आप अच्छा पढ़ेंगे अच्छा लिखेंगे दैन फ्यूचर में कुछ ना कुछ आप बनेंगे, तो आप जो है मुल्क कौम की खिदमत करेंगे दैन जो है वो हमारे मुल्क में जो है वो एक तरक्की की फ़िज़ा जो है वो होगी, तो हमारा ज़ाहिर सी बात है कि हमें उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे एज आ सिटीज़न, और ये चीज़ जो है वो एक खूबसूरती का बायस होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाग का हर फूल बाग की रौनक और खूबसूरती बढ़ाता है, परवाने की ज़िंदगी शम्मा की मोहब्बत में इसके गिर्द गुजरती है, मेरी ज़िंदगी भी इल्म हासिल करने के शौक़ में ही गुजरे, मेरा काम गरीबों की मदद, दुखी और ज़ईफ़ लोगों से मोहब्बत होना करना हो, मेरे अल्लाह मुझे हर बुराई से बचाकर नेकी के रास्ते पर चलाना। ये बेटे आपको जो नज़म पढ़ाई गई थी उसका कंप्लीट ओवरव्यू दिया गया है ताकि उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें, और आपने तमाम स्टूडेंट ने बेटे अपने ख़ास अल्फाज को जो है वो राइट करना है नोटबुक पर नीट एंड क्लीन राइटिंग शेप में। अब बेटे हम जो है वो अपने दैन जो है वो बढ़ते हैं अपने पेज की तरफ जहाँ पर आपने अल्फाज मायनी जो है वो राइट करने हैं अपनी नोटबुक पर, जैसे कि लब इसका बेटे अनवान लिखेंगे बच्चे की दुआ सरगर्मी अल्फाज मायनी, लब होंठ शमा रोशनी के लिए जलाए जाने वाली बत्ती या चिराग, दूर होना ख़त्म होना हमायत मदद या तरफदारी, आप इनमें से कोई भी एक जो है वो अपनी नोटबुक पर जो है वो राइट करेंगे, ये आपकी नोटबुक का वर्क है। मज़ीद हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं 91 पे। इस नज़म के शायर हैं बेटे, आपको मैंने कंप्लीट ओवरव्यू दिया, हमने नज़म पढ़ी, मैंने आपको बताया कि नज़म के शायर जो हैं वो इलामा इकबाल हैं। अब नेक्स्ट हमारा है बेटे ये नज़म शायर ने डैश की ज़ुबानी लिखी है, बच्चे की ज़ुबानी, कि ये बच्चा जो है वो दुआ मांग रहा है अल्लाह ताला से। फूल से डैश की जीनत होती है, चमन बाजार वतन दुनिया, चमन फूल से चमन की जीनत होती है, लफ्ज़ लफ्ज़ अंधेरा का मुजाद है उजाला, और अल्लाह ताला हम सबको डैश से बचा ले, बुराई अच्छाई नेकी हमदर्दी बुराई से, बेटे तीनों काम जो हैं वो अच्छे हैं, अल्लाह ताला हमें बुराई से बचाए। हमें गरीबों की डैश करनी चाहिए, दुश्मनी नाराज़ी बुराई हमायत, हमें गरीबों की हमायत करनी चाहिए। अब बेटे मिसरे मलाइए, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, आपने इसके साथ मैच करना है, तब हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। खुशखत अल्फाज हैं बेटे जो आपने अपनी नज़म में भी पढ़े हैं, अगेन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, दुआ सूरत खुदाया यारब मोहब्बत बुराई नेक राह। देन है बेटे आपके सवाल जवाब हैं, आपको पता है आपने अपने सवाल जवाब जो है वो नोटबुक पर जो है वो वर्क करना होता है, अपनी नोटबुक पर जो है वो आप उनवान राइट करेंगे, देन बच्चे की दुआ सरगर्मी सवाल जवाब। पहला सवाल है आपके पास, बच्चे के लब पर क्या आती है, बच्चे के लब पर दुआ आती है, बच्चा शम्मा की तरह ज़िंदगी क्यों गुजारना चाहता है, बच्चा शम्मा की तरह ज़िंदगी इसलिए गुजारना चाहता है क्योंकि शम्मा अंधेरा दूर करके रोशनी फैलाती है,
बच्चा जो काम करना चाहता है इनमें से दो चुन कर लिखिए बेटे। बच्चा गरीबों की हमायत करना और ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना चाहता है। दुनिया से जहालत और बुराई का अंधेरा दूर होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे मेरे मुल्क की रौनक और खूबसूरती बढ़ेगी। और एज़ अ मुस्लिम हम यही चाहते हैं, और आप इसका आंसर ये लाइट करेंगे, क्योंकि इससे मेरे मुल्क की रौनक और खूबसूरती बढ़ेगी। आखिरी शेर का मतलब अपने अल्फाज में लिखें। या अल्लाह मुझे हर बुराई से बचा कर नेकी के रास्ते पर चलाना। ये तमाम सवाल और ये तमाम के जवाब जो है वो एक सवाल आप लिखेंगे, देन उसका जवाब 5 के 5 क्वेश्चन आंसर जो है वो आप अपनी नोटबुक पर जो है वो राइट करेंगे। उसके बाद बेटे आपके पास जो है वो सेंटेंसेस हैं, और सेंटेंसेस में जुमलों में है गरीबों, दुआ, दुनिया, इलम, नेक, फूल, और उसके जो सेंटेंसेस हैं आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। गरीबों, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। दुआ, हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। दुनिया, दुनिया का मालिक अल्लाह ताला है। इलम, इलम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज है। नेक, अली एक नेक इंसान है। फूल, मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। आपने इनका वक्त जो है वो अपनी नोटबुक पर जो है वो इन सेंटेंसेस को जो है वो बेटे राइट करना है। उसके बाद बेटे कवायद में है आपके पास दिए गए जुमलों को ज़माने के लिहाज से तब्दील करें। हाल, माजी, मुस्तकबिल। वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं बेटे, आपको ये पहले भी ओवरव्यू करवाया जा चुका है, लेकिन आपको अगेन बताया जा रहा है। हाल बेटे कहते हैं मौजूदा, यानी कि जो मौजूद चीज़ है अभी अभी जो हो रहा है उसको कहते हैं हाल। माजी कहते हैं बेसिकली बेटे जो गुजर चुका होता है। मुस्तकबिल जो आने वाला है। हाल में हम है का यूज़ करते हैं, माजी में था, थे, थी का यूज़ करते हैं, मुस्तकबिल में गा, गे, गी का यूज़ करते हैं। अब हमने हाल को जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे कि उसमें है आना चाहिए। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत बारिश हुई, आज बहुत सर्दी है। माजी में कल बहुत गर्मी थी, कल बारिश हुई थी। आपने देखा होगा सेंटेंस बेटे वही है, लेकिन बेटे हमने जस्ट यहाँ पे है का हाल में हम हैं क्योंकि मौजूद है वो इस टाइम पे वर्क हो रहा है उस पर ना, तो वो हाल में है तो हम है लगाएंगे। माजी में है बेटे तो माजी में हम जो है वो थी लगाएंगे। मुस्तकबिल में हम गा, गे, गी लगाएंगे, और हम इसको फिक्रे के अकॉर्डिंग लगाते होते हैं। कल बहुत गर्मी थी, कल बारिश हुई थी, कल बहुत ज़्यादा सर्दी थी। आपने सेंटेंस वही है, बस था, थी का इजाफा किया गया। कल बहुत गर्मी होगी, कल बहुत बारिश होगी, कल ज़्यादा सर्दी होगी। आपने देखा सेंटेंस वही है, जस्ट गी का इजाफा किया गया। आपने अपनी बुक पर जो है इनको बुक से पर राइट करना है, देन इनको जो है वो लर्न करना है। होप सो स्टूडेंट्स कि आप फुली चैप्टर को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे और अपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, नीट एंड क्लीन राइटिंग में जो है वो राइट करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।